हेलो एवरीवन, शेफ़ फातिमा में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे एक ऐसी चटनी जिसे यखनी बिरयानी, पुलाव, मुरादाबादी बिरयानी या किसी भी ऐसी राइस रेसिपी जो तीखी कम होती है या जिसमें स्पाइसेस कम होते हैं उसके साथ खाई जाती है, और इसे बनाना बहुत ही ईजी है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, आपका एक लाइक मुझे और मोटिवेट करता है वीडियो बनाने के लिए। और हाँ, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, तभी आपको मेरी सारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। बिरयानी वाली चटनी बनाने के लिए ग्राइंडर में एक लार्ज साइज़ का टमाटर या फिर दो मीडियम साइज़ के टमाटर लेंगे, जिसे मैंने रफली कट कर लिया है। 1 टीस्पून ज़ीरा, 4 बड़ी लहसुन की कलियाँ, अगर छोटी हों तो 6 से 7 डालें, 4 से 5 साबुत लाल मिर्च और 1/4 टीस्पून नमक। अब इन्हें बिना पानी डाले कोर्सली ग्राइंड कर लेंगे, ये देखिए। और अब डालेंगे 1 टीस्पून विनेगर, और अब इसे स्मूथ पीस लेंगे जब तक ये चटनी की फॉर्म में ना आ जाए। ये देखिए, इसका टेक्सचर बिल्कुल स्मूथ हो गया है। चटनी तैयार है, इसे आप किसी भी तरह के पुलाव या बिरयानी के साथ सर्व करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक आप इसे बनाएं और इन्जॉय करें।